अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सादी दाल कोकनी सादी दाल बना रहे, उसके साथ गोभी का ठेसा बना रहे और उसके साथ सादे चावल बना रहे, एकदम टेस्टी थाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सादी दाल चावल बनाए सादा और उसके साथ बोमिल का ठेसा एकदम चमचमित बनाने का, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। कुकनी में उसको चमचमित बोलते हैं। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी दाल बना रही, ये हमने 1.5 किलो दाल लिए और गर्म पानी से इसको भिगा के रखे। देखो इतनी फूल गई, ये तुअर की दाल है। तुअर की दाल ही लेंगे तो टेस्टी बनती है दाल। और ये हमने 1 टीस्पून भर के जीरा लिए तड़का देने के लिए, 1 टीस्पून राई लिए तड़का देने, इसमें थे आधा लहसुन तड़का देने, आधा लहसुन दाल में डालने के लिए। और ये हल्दी दाल में डालेंगे, मिर्ची तड़का देंगे, तड़का देंगे मिर्ची से, और ये मिर्ची से भी तड़का देंगे। कोथमीर डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे तड़के में, और आधा इसमें डालेंगे दाल में। और ये हमने 2 प्याज को चॉप करके लिए बारीक बारीक, और ये मिर्ची लिए, मिर्चियाँ स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से डालो। और हमने 4 टमाटर लिए, 1.5 किलो दाल को 4 टमाटर लगती है, गोल गोल काटने के तो जल्दी जल्दी गल जाते हैं। इसमें से आधा लहसुन डालेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल डालने से ऊपर दाल आती नहीं, सीटी के ऊपर जो दाल आती है ना, भज जाती, वो नहीं भजती है। अभी हम बनाने का तरीका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में दाल डालेंगे, एकदम इजी तरीके से सादी दाल बनाएंगे, सिंपल और एकदम टेस्टी बनाएंगे। दाल के साथ गोभी का ठेसा। देखो हम पहले बाजरे की नाश्ते के बाजरी चावल के बाजरे के साथ ठेसा बताए, अभी हम चावल के साथ आपको बता रहे। दाल डाल दिए, अब ये पूरे टमाटर, टमाटर अच्छे रहेंगे ना तो टेस्ट अच्छा बढ़ के आता है। अभी इसमें से आधा लहसुन इसमें डालेंगे, आधा लहसुन तड़के में डालेंगे, ये मिर्ची पूरी डालेंगे, ये देखो, इसमें से कोथमीर डालेंगे, कोथमीर डाले, अभी इसमें आधा करी पत्ता डालेंगे और ये प्याज पूरा डालेंगे। एकदम इजी तरीके से बता रही, वैसा बनाओ और खाओ, फिर मालूम पड़ेगा कितना अच्छा लगता है वो। अभी ये पूरी हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ली हमने, मतलब आधा टेबल स्पून हल्दी ली। हल्दी डाल दिए, अभी क्या करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, बाद में भी नमक डालने का रहता है। नमक डाल दिए, अभी इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, तेल डाल दिए, अभी इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और पानी लगेगा। 1 लीटर पानी डाले, 1.5 किलो दाल में 1 लीटर नहीं चलता है, 1.5 लीटर पानी है, देखो 1.5 लीटर पानी डाल दिए, देखो हाँ। अभी इसको ढक्कन लगाएंगे और गैस पे रखेंगे। दाल को 2 सीटी हो गई अच्छे से, देखो दाल ऐसी अक्की अक्की रखने की, फूटने की नहीं दाल, दाल खाली पिघलना चाहिए। देखो दाल बन गई, अभी इसको तड़का लगाएंगे, नमक हम डाले हैं, वापस नमक लगेगा तो डालेंगे, अभी तड़का लगाएंगे। रमंद्रीम क्या करेंगे, पहले राय डालेंगे, ये देखो तेल डाले हमने थोड़ा, 1 चम्मच भरा वाला राय डाल दिए, करी पत्ता और ये जीरा डालेंगे,
अभी इसमें लहसुन डालेंगे। अभी लहसुन का कलर बदली करने तक इसको पकाएंगे। लहसुन का कलर बदली होना चाहिए, दाल को बघार दे रही। ये तड़का हो गया, अभी इसमें क्या करेंगे, मिर्ची डालेंगे। देखो मिर्ची डालेंगे, अभी मिर्ची पाउडर डालेंगे। हो गया, ये देखो अभी ये तड़का इसमें डालेंगे दाल में। ये देखो डाल दिए, और कोथमीर डालेंगे बहुत सारी। ये देखो कोथमीर जितनी दाल में डालेंगे ना उतनी दाल टेस्टी बनती है, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। और दाल को अब तो पानी लगाना है, लगाओ थोड़ा सा लगा पानी। ये देखो इतना पानी लगा रहे हम, आपको लगाना है ज़्यादा तो लगाओ। हमारे घर में मेम्बर कम है इसलिए हम पानी कम लगाते। अभी एक उबाल लेंगे उसको और फिर बताएंगे। सादी सिंपल दाल बनके तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो कितनी अच्छे से बनी है, देखो ऐसी दाल बनाने की, एकदम टेस्टी बनाने का। 10 जन ये दाल में खाना खा सकते हैं, 10 जन। ये टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का है। देखो अभी इसको साइड में रखेंगे। हमने ये देखो, हमने 1 किलो चावल लिए कोलम चावल, उसको धो के लिए अच्छे से एकदम इजी तरीके से बता रहे कैसा बनाने का। देखो फटाफट बन जाएगा और आपको काम पे जाने भी मिलेगा और एकदम टेस्टी खाना। ये अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे चावल में, डाल दिए। अभी इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तो चावल फूले भी बनते हैं और चमकते हैं चावल। ये देखो तेल डाल दिए। हफ्सा चली गई है, हफ्सा आई नहीं, सऊदी में चली गई, इसके लिए हम लोग को तेल डालने के लिए फ्री है। 1 टेबल स्पून तेल डाले चावल चमकने के लिए। और क्या करेंगे अभी, ये देखो 1 लीटर पानी नहीं पूरेगा, 2 लीटर पानी चाहिए। अभी देखो ये 2 लीटर पानी डाल दिए, अभी चावल अच्छे से हो जाएगा। चम्मच चलाएंगे इसमें, ये देखो चम्मच चलाएंगे और गैस पे रखेंगे और सूखने के बाद बताएंगे आप। देखो चावल हो गए, ये देखो अभी इसको चम्मच चलाएंगे और बारीक गैस पे रखेंगे, बारीक गैस पे रखेंगे इसको 5 मिनट। रमांद्रीन चावल हो गया, ऐसी चम्मच चलाने की चावल होने के बाद तो चावल फूले खुले, देखो कितने अच्छे चावल चमक रहे हैं और चावल अच्छे खुले खुले बने। अभी इसको बंद करेंगे और साइड में रखेंगे। मिला है रमांद्रीन, बोम्बिल का ढेसा बनाएंगे। तो ये देखो 1.5 किलो बोम्बिल लिए, उसको ऐसा काट के लिए हैं। अभी उसको पानी में डाल के धोएंगे और तेल में फ्राई करेंगे। ये पानी में डाल के धोने से क्या होता है, पूरी मट्टी इसकी निकल जाती है। और फिर तेल में फ्राई करेंगे इसको, चुरचुरी बनाएंगे। सूखी ताज़ी मच्छी से अच्छी सूखी मच्छी लगती। 1.5 किलो बोम्बिल के लिए हमने 4 बड़ी गट्टी लहसुन के लेके छील के रखी है। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, हमारी इसमें मिर्ची कम है, इतनी मिर्ची से तीखा नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग बच्चे घर में इसलिए हम मिर्ची कम खाते हैं, पर मेन हमारे आदमी कम खाते हैं, हमको तीखा लगता है। और 3 प्याज को हमने चूल्हे पे भून के लिए और उसको छील के लिए, इसको ये करेंगे हम मदरसे में कूटेंगे। और ये देखो ये टमाटर लिए 4, इसको इस पे गैस पे भून के लिए, इसका ये छिलका ऊपर का काला निकाल देंगे, इसको भी कूटेंगे। इसको फ्राई करने का है मिर्ची को और लहसुन को। और ये हमने 1/2 पाव ये लिए, मतलब एक प्याली भर के, एक बोल भर के हमने ये सेंगदाना लिए, उसको भुने, उसका छिलका छुराए, हाँ उसको भी फ्राई करने का है कुरकुरी बनने के लिए। ये मिर्ची को हमने गैस से भून के लिए, देखो टूट रही है, कैसी देखें टूट रही है अच्छे से, तो इसको भी कूटेंगे।
कोथमीर डालेंगे बहुत सारी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक नींबू का रस डालेंगे, एक नींबू का रस डालेंगे इसमें तो टेस्टी तीखा खट्टा तीखा अच्छा टेस्ट आएगा। अभी ये हमने प्याज को भुने ना उसको ऐसा इसमें हमद दस्ते में कूट के लेंगे। आप सील के पत्थर भी पीस सकते और ये भी कर सकते इससे चॉपर में भी कर सकते। अभी ये टमाटे को भी अच्छे से कूटेंगे हमद दस्ते में। अभी ये तीन पानी से धोने का हम एक बार आपको बताएंगे, बाकी हमने किचन में जाके करेंगे। हाँ अभी ये तीन पानी से धोने का है तो मट्टी पूरी निकल जाएगी इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा तेल डालेंगे भुनने का है ना, ये देखो। अभी ये लहसुन और मिर्ची को भुनेंगे। ये देखो ऐसा कलर होना चाहिए, ये देखे ऐसा कलर होना चाहिए तो अच्छा लगेगा ठेसा। अभी इसको पूरा निकालेंगे तेल छान के और इसको हमन दस्ते में कूटेंगे। आप सील के पत्थर से पीस सकते हैं, हमारे पास सील का पत्थर बहुत बड़ा है तो ऊपर उठा के ले नहीं सकते और हम नीचे बैठ ले सकते ऐसा है। इसके लिए सील के पत्थर पे आप करेंगे तो और स्वाद आएगा, और इसमें भी करेंगे तो भी स्वाद आएगा, चॉपर में भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम हमन दस्ते में करेंगे। ये देखो पूरा लहसुन और मिर्ची को भुने। अभी इसी तेल में ये सेंग दाने को हमने भुन के छिलके छुराए उसको भी कुरकुरित करेंगे। ये देखो सेंग दाना ऐसा कलर होना चाहिए तो कुरकुरित मतलब क्रिस्पी होता है, क्रिस्पी होता है। ये देखो तुम्हारे भाषा में क्रिस्पी, हमारे भाषा में कोंकणी भाषा में कुरकुरित। ये देखो पूरा सेंग दाना भून के निकाले। अभी थोड़ा और तेल डालेंगे और बोम्बिल को अच्छे से कुरकुरित बनाएंगे मतलब क्रिस्पी बनाएंगे। ये देखो तीन बार बोम्बिल को धोने धोए अच्छे से हो गया। अभी इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। देखो बोम्बिल कुरकुरित हो गए, अभी इसको निकालेंगे। अभी हमन दस्ते में हम सेंगदाना फूट रहे, उसके बाद मिर्ची लहसुन फूटेंगे, कांदा टमाटर हो गया। अभी हमन दस्ते में हम ये सेंगदाना फूटेंगे, फिर मिर्ची लहसुन फूटेंगे, फिर ये मिर्ची फूटेंगे। ये देखो अभी ये मिर्ची और लहसुन फूटेंगे, हमन दस्ते में फूटेंगे, लहसुन अच्छी आएगी टेस्टी आएगा। अभी बोम्बिल फ्राई हो गए, अभी इसको भी कूटेंगे, ज्यादा नहीं कूटने का, खाली दर दर है देखो, और उसका काटा निकालेंगे। ये देखो ये देखो बोम्बिल एकदम चूरा नहीं करने का, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा काटा निकालेंगे, आपको निकालना है निकालो, कोई निकालता है कोई नहीं निकालता है, हम लोग निकाल रहे। देखो हमने थोड़ा सा तेल डाले, ये चम्मच भर के तेल डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने जो हमन दस्ते में कूटे ना वो प्याज और ये टमाटर अच्छे से सभी हम टेस्टा बना रहे हैं। इसको इसका पानी सूखने तक इसका पानी सुखाएंगे। देखो टमाटर और प्याज का पानी सूख गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी ये सेंग दाना डाले। ऐसा ठेसा बना के खाओ फिर बताओ हमें कैसा लगे। और ये ठेसा है ना डब्बे में भर के फ्रिज में रखने का 8 दिन के लिए, 8 दिन तक दाल चावल के साथ ठेसा खाएंगे एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाएगा।
और टेस्टी खाने का। अभी देखो, अभी हमने मिर्ची और लहसुन को कूटे ना, वो डालेंगे। ये देखो, आपके हिसाब से मिर्ची लो, हम हमारे हिसाब से मिर्ची लो। ये तीखा नहीं बनने वाला है, तीखा बनता ना टेसा तो अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई तीखा नहीं खाता इसलिए ऐसा बनाएंगे। अच्छे से भुनने का इसको, मिर्ची लहसुन को पहले भून के लिए हैं, वापस भुनने का, भुनाई का काम इसमें ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। ये देखो, ये बोंबिल कूट के हो गए, इसके कांटे निकाले और अभी देखो मैं इतना सारा इसमें एक नींबू का रस डाल दूँ तो अच्छा चटपटा लगेगा, एकदम टेस्टी टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। कोथमीर बहुत सारी डालेंगे, अभी तो कोथमीर सस्ती है ना, तो ज़्यादा कोथमीर डालने का, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। ये देखो, और हम इसको 10 मिनट तक ढककर रख के पकाएंगे। बोंबिल के साथ जो बैठगी मिर्ची थी ना, वो भी इसके अंदर कूट ली है अच्छे से। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल दिए, अभी कोथमीर डालेंगे और नींबू का रस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार मेरा यूट्यूब के परिवार को सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। सारी दुनिया के लिए दुआ कर रही, अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी बीमारी शफात करो, सबकी मुश्किल आसान करो, सबकी मजबूरी ख़त्म करो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको गैब से दौलत दो। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी को भूखा मत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी प्यारी प्यारी बेटियां बैठी है, उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी होने दो, अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो, उनकी उम्र हो गई। अल्लाह पाक परवरदिगार उनके नाम का एक जोड़ा पैदा करो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो हॉस्पिटल में वो अच्छे होके हॉस्पिटल से अच्छे होके आने दो, उनकी उम्र दराज होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद ने भरी उसके साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार उसकी गोद भरने दो, उसको खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। मेरे लिए भी दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, तुम लोग मेरे लिए दुआ करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रेसिपी आपको रोज़ नई नई देखने को मिलेगी। ऐसा लाइक करने का, ऐसा जंगोटा रहता ना उसको दबा देने का तो लाइक हो जाता, शेयर करने का अपने दोस्तों में, यारों में, अपने रिश्तेदारों में, तो मैं किचन आगे बढ़ेंगे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने आओ, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। आज एकदम चमचमित खाना है, बोंबिल का ठेसा। ये देखो, ठेसा लेंगे, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला।